नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों एमएस पेंट। तो ये मेरा वीडियो अगर आप पूरा देख लिए दोस्तों, तो एमएस पेंट का किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करता है तो 100% श्योर आप जवाब दे सकते हैं। एमएस पेंट का मैं पूरा आंसर क्वेश्चन उसका विथ प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर क्या लिखा है दोस्तों, व्हाट इज एमएस पेंट, यानी कि एमएस पेंट क्या है। आपको कोई पूछेगा तो आपने क्या बताना है, इट इज़ ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन वर्क विथ द पिक्चर इमेज, यानी कि एमएस पेंट में आपको ड्राइंग्स, कोई चित्र, कोई आप इमेज बना सकते हैं जो आपको एक पेंसिल से, एक पेंसिल के मदद से आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नीचे दूसरा क्वेश्चन है। एमएस पेंट ओपन एमएस पेंट प्रोग्राम, यानी कि एमएस पेंट को कैसे ओपन करेंगे। तो क्या कह रहा है, क्लिक स्टार्ट, क्लिक ऑल प्रोग्राम, क्लिक एसेसरीज, क्लिक पेंट। तो कैसे कैसे आपको यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, ऑल प्रोग्राम और एसेसरीज और क्लिक पेंट। बहुत इजी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और क्या क्लिक कर सकते हैं, विंडो प्लस आर प्रेस के करना है कीबोर्ड में। विंडो प्लस आर कीबोर्ड में प्रेस कीजिए और यहाँ पर रन का एक डायलॉग खुल जाएगा। इस पर एमएस पेंट लिखिए, एमएस पेंट, और ओके पर क्लिक कीजिएगा, जिस तरह से आपका पेंट खुल जाएगा। ठीक है, आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं कि आपको स्पष्ट दिखाई देवे। हाँ, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एमएस पेंट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, एमएस पेंट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है। तो चलिए मैं एमएस पेंट को ओपन करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, एमएस पेंट का डिफॉल्ट वहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाला पर लिखा रहता है, जिसको बोलते हैं टाइटल बार। तो ये क्या है, अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ रहता है, अनटाइटल्ड डैश पेंट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, एमएस पेंट में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में कितने ऑप्शन होते हैं। एमएस पेंट में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में कितने ऑप्शन होते हैं, तो 10, यानी कि 10। तो कहाँ पर क्विक देखिएगा, यहाँ पर क्लिक देखिएगा, पॉइंटर यहाँ पर ही देखिएगा, यहाँ पर क्लिक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक तरह से एक और इसका मेनू खुलता है, इसी को बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। और इसका काम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर मैंने न्यू पर क्लिक कर दिया, अगर हमको न्यू करना होगा, जैसे मैंने कोई इमेज मैंने बनाया इसको, अगर हमको इसको न्यू करना होगा तो या तो कंट्रोल एन करेंगे या फिर यहाँ पर जाके यहाँ से भी न्यू करेंगे। देखिए तो यहाँ पर भी एक आगे आइकन आ गया, यहाँ पर भी क्लिक करके आप न्यू कर सकते हैं, और यहीं पर क्लिक करके जब ओपन पे क्लिक कर दूंगा तो एक और ओपन का आइकन आ जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर तो सेव का आइकन आ जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक तो प्रिंट का आइकन आ जाएगा, और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू का, उसके बाद अंडू रेडू। इस सब का काम क्या है कि यहाँ पर आइकन आ गया, जैसे आप मैंने कोई चित्र बनाया इसको इसको हटाना होगा तो देखिए यहाँ पर अंडू कर देंगे, लाना होगा तो इसी तरह से एक आइकन यहाँ पर आ गया, इसे क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर इसको हटाना होगा तो यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है जब क्लिक कीजिएगा जैसे तो आप हटेगा, जैसे मैं ओपन का मैंने हटा रहा हूँ, क्लिक करूँगा तो देखिए ओपन यहाँ से गायब हो गया। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज एक्सेस टूल बार को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पेंट में फाइल मेनू में कितने ऑप्शन होते थे, 11। तो देखिए इसी यहाँ पर देखिए फाइल पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा, तो ये सब का भी मैंने बारी बारी से मैंने आपको बताया है। इस क्वेश्चन में भी आपको मैं बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट इसमें होगा उसको। ठीक है, उसके बाद एमएस पेंट में सेट एज बैकग्राउंड ऑप्शन किस लिए दिया हुआ रहता है। तो आंसर में क्या है, डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड सेट करने के लिए। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने कोई आप इमेज कोई बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज बना लिया और मैं इसको बैकग्राउंड में सेट एज बैकग्राउंड मतलब डेस्कटॉप पर लगाना चाहता हूँ। डेस्कटॉप किसको कहते हैं दोस्तों, इसको डेस्कटॉप कहते हैं। अगर यहाँ पर आपको लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर कुछ भी आप इमेज यहाँ पर बना लीजिए, और बनाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। एक बार सेव करके कहीं भी डेस्कटॉप पर मैंने सेव कर लिया, डेस्कटॉप और माई कंप्यूटर JPG में इसको मैं सेव कर लेता हूँ JPG में, और नाम कुछ भी अपना दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आना है, देखिएगा सेट एज बैकग्राउंड पर यहाँ पर
जब पॉइंटर रखेगा तीन ऑप्शन खुलेगा, फिल, ठीक है, जैसे मैं फिल पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको बैकग्राउंड पर देखिए पीछे आपको लग गया। इससे क्या हुआ कि आप यहाँ पर जो बनाएंगे ड्राइंग्स, जो चित्र, जैसे मैं देखिए फिर से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ देखिए, यहाँ पर टू कलर है तो टू कलर का मैंने रेड ले लिया, इसको ब्लैक ले लिया। तो देखिएगा मैं यहाँ पर इस तरह से कोई ड्राइंग्स बनाया बनाकर, और यहाँ पर आके इस पर क्या करूँ, इसे फिल कर दिया, ठीक है। तो यानी कि टू कलर बीच वाले फिल करता है, और ये ब्लैक वाला वो लाइन वाला, मतलब ये जो इसका लाइन है उसका करता है, ठीक है ना, कलर। तो ऐसे फिल कर दिया, अब हमको इसको बैकग्राउंड पर मैंने डेस्कटॉप पर लगाना है। तो यहाँ पर जाएंगे और क्या करेंगे, सेट एज बैकग्राउंड करेंगे, जैसे सेट एज बैकग्राउंड के लिए देखिए यहाँ पर आपको लग गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बनाइएगा वहाँ पर शो करेगा। इसमें और ऑप्शन है, देखिएगा यहाँ पर, देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए क्या हुआ, देखिए कुछ यहाँ पर एक नीचे आ गया एक और उसमें जब इस पर क्लिक कीजिएगा, यानी कि इसमें अब ऑप्शन है फिल टाइल सेंटर, इस पर क्लिक करिए तो सेंटर में आ जाएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 7, एमएस पेंट में डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है। तो डिफॉल्ट बैकग्राउंड क्या कहते हैं, मैं फिर से ओपन करके आपको दिखला रहा हूँ कि जो पीछे जो व्हाइट है इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर। ये हमेशा आपको आपको क्या रहता है, व्हाइट रहता है। यहाँ पर आप देखिएगा फोरग्राउंड और यहाँ पर देखिएगा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आपको डिफॉल्ट क्या मिलता है, व्हाइट मिलता है, फोरग्राउंड क्या मिलता है, ब्लैक मिलता है, इसका उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमएस पेंट में फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है। तो ब्लैक होता है, अभी आपको मैंने बताया। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए फोरग्राउंड कलर कलर और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड का कलर, ठीक है, यानी कि डिफॉल्ट क्या होता है, व्हाइट होता है कलर। अब यहाँ पर आते हैं एमएस पेंट में सीधी रेखा खींचने के लिए की का उपयोग करते हैं। सीधी रेखा आपको खींचना है तो जैसे मैंने पेंसिल, जब मैंने इससे हम इसे रेखा खींचेंगे तो सीधी नहीं नहीं जाएगा, चाहे इससे पेंसिल से रेखा खींचेंगे तो सीधी नहीं जाएगा। तो जब शिफ्ट प्रेस करके जब ड्रैग कीजिएगा तो एकदम हमेशा आपको सीधा ही जाएगा, इसको भी खींचना एकदम सीधा ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैग मतलब क्या होता है, खींचना होता है। एमएस पेंट में सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट ऑप्शन कहाँ पर होते हैं, तो इमेज में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इमेज कहाँ पर, यहाँ पर है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका काम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ऐसे मैं कोई शेप लिया तो देखिएगा यहाँ पर पाया जाता है, तो इसे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके आप इधर रख सकते हैं, या फिर इसको कॉपी भी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर इसको छोटा भी कर सकते हैं, इस सेलेक्ट का काम हुआ। दूसरा काम क्या है, क्रॉप, क्रॉप से क्या कर सकते हैं, आपको पहले क्या करना, सेलेक्ट करना, मुझे इतना सेलेक्ट करना है, और जैसे क्रॉप पर क्लिक की देखा क्रॉप हो जाएगा, ये वापस कर लेते हैं इसको। रिसाइज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके आप 100 200 इसको पेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, या पिक्सल में, या पर परसेंटेज में। तो हम परसेंटेज में करना चाहते हैं 200, क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं रोटेट, जैसे मैंने कि इसको हमको रोटेट करना है, ठीक है, घुमाना है। तो ये देखिए इस मुंह को ई पट्टी करना है, तो इसको बोलते हैं आपको रोटेट 180 डिग्री, ठीक है। अगर फिर वो ऊपर में करना है तो क्लिक करके फिर 100 रोटेट 180 डिग्री, और इसी प्रकार से आपको राइट रोटेट 90 डिग्री, ठीक है, इस पर क्लिक करेगा तो राइट में हो जाएगा, और इस पर क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट में हो जाएगा, देखिए लेफ्ट में पट्टी हो गया, वापस कर लेते हैं, ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे तो राइट में हो जाएगा, ठीक, इस तरह से देख लिए। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल, तो ये पूरा पेज को मतलब वर्टिकल क्या कर देगा, और यहाँ पर आते हैं फ्लिप हॉरिजेंटल, ये पूरा को हॉरिजेंटल कर देगा। तो इस तरह से इसको यूज करते हैं इस इमेज ऑप्शन को। आगे नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एमएस पेंट में पेंसिल फिल विथ कलर टैक्स इरेज मैग्नीफायर कहाँ होते हैं। तो टूल बॉक्स में होते हैं, तो टूल बॉक्स कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर ही होता है। ये सब का काम भी आप देख लीजिए, इससे आप पेंसिल इस तरह से कोई चित्र कोई ड्राइंग्स बना सकते हैं, जिससे पेन आपको आ गया, और इससे आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं,
मिटा सकते हैं, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, और इससे क्या कर सकते, फिल कर सकते हैं। फिल मतलब जैसे यहाँ पर, मतलब इस पर कलर लेके यहाँ से फिल कर सकते हैं कोई चीज़, कोई भी फिल कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, ड्रॉप। ये क्या है, ड्रॉप, कोई कलर को चूज कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए इस पर नाम, ये टैक्स से क्या होगा, नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिसाइड करना है यहाँ पर कलर कौन सा रखना है। तो हम यहाँ पर कलर रखते हैं ग्रीन। आपको डिसाइड करना है कि फोन कौन सा रखना है, यानी कि फ़ोन का स्टाइल कौन सा रखना है। तो यहाँ फोन का स्टाइल भी आपको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि फ़ोन कितना बड़ा रखना है, ठीक है। उसके बाद बोल्ड रखना चाहते हैं, इटालियन, इस सब आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। उसके बाद आपको टाइप करके आपको लिखना है। तो हमने फ़ोन बहुत छोटा ले लिया है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा, और बड़ा करना चाहते हैं 72 कर देते हैं। तो इस तरह से आप, अब देखिए नीचे आ गया, तो देखिए यहाँ पर से इसे ऐसे करेंगे तो देखिए ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ऐसा अगर लिख रहा है तो इसे करके खींच के इसको ऊपर में ऐसे कर सकते हैं, और उठा के इसे कहीं भी बीच में इसको रख सकते हैं। छोटा करना है या सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसको फोन को छोटा भी कर सकते हैं, कितना छोटा करना चाहते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट करके। देखिए छोटा भी ये आपको हो रहा है। कलर करना चाहते हैं, देखिए आप कलर कैसे सेलेक्ट करके सब चीज़ काम कर रहे हैं। कलर भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ही काम को आपको कर सकते हैं। ऐसे बीच में रखना चाहते हैं, बीच में से आप इसको रख सकते हैं। तो ये फॉन्ट को हो गया। अब मैग्नीफायर के क्या काम करता है, जूम करता है। जूम ऐसे करके, जूम करके देख सकते हैं, क्लिक कीजिएगा जूम होगा, राइट क्लिक कीजिएगा तो जूम आउट हो जाएगा, जूम इन और जूम आउट। क्लिक करने पर जूम इन होता है, राइट क्लिक करने पर जूम आउट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। दोस्तों दिल का शेप तो यही है, दिल का शेप तो इस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सा शेप है, बहुत से यूज कर सकते हैं, बहुत सा का यूज कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर नीचे आ सकते हैं, देखिए यहाँ पर लाइन है, कर्व है, इस ऐसा भी शेप है, इसमें यूज कर सकते हैं। आपको चित्र के अनुसार जैसा शेप लेना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पेंट में रिबोन को हाइड और अनहाइड का शॉर्टकट की क्या है। तो F1 है, F1। तो आपको देखिए तो कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करना है दोस्तों, एक हाथ से कंट्रोल एक हाथ से F1 प्रेस करना है। तो देखिए ये देखिए, यानी क्या हुआ, ये जो टूल्स है यहाँ पर इसे गायब हो गया, और फिर कंट्रोल एफ प्रेस कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एमएस पेंट में एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होता है। तो एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होता है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, जैसे सेव कीजिएगा तो यहाँ पर पूछेगा। तो एक्सटेंशन मतलब आपको हमेशा जो लगा हुआ रहता है वो क्या लगा हुआ रहता है, .bmp, .bmp। ये जब सेव कर दीजिएगा तो यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा .bmp। आप यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, JPG, आप PNG, जो भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई फाइल को सेव कर दिया हूँ, तो उस फाइल को मैं आपको, जैसे फाइल को मैंने सेव कर दिया, राइट क्लिक करके इसको प्रॉपर्टी में हम लोग जाएंगे तो हमने JPG में सेव किया। लेकिन डिफॉल्ट आपको क्या लगा हुआ रहता है, डिफॉल्ट आपको क्या लगा हुआ रहता है, तो .bmp, ठीक है। एमएस पेंट में जूम इन कितना ज़्यादा कर सकते हैं, तो 800% जूम कर सकते हैं। कैसे देखिए, यहाँ पर आएंगे, व्यू में आएंगे, देखिए जूम कर रहे हैं इसे करके। तो कैसे पता चलेगा कि आपको 800% जूम हो गया, तो यहाँ पर देखिए स्टेटस बार पर मैंने क्लिक करूँगा तो देखिए 800% यहाँ जूम आपको दिखला रहा है, ठीक है। तो दोस्तों
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और एमएस पेंट में जूम आउट कम से कम कितना कर सकते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं कि कम कितना होता है सर। तो यहाँ पर जूम, यहाँ से क्या कर सकते हैं, जूम जूम आउट कर रहे हैं यहाँ पर क्लिक करके, तो देखिए सबसे न्यूनतम इतना कर सकते हैं 12.50, ठीक है इतना कर सकते हैं, ये विंडो 10 का है, ठीक है। उसके बाद करते हैं एमएस पेंट में पेज को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज करते हैं, ऊपर नीचे पेज करने के लिए। ऊपर नीचे पेज कब करेंगे, जब हम पूरा जूम कर देंगे तो देखिए ऊपर नीचे पेज होगा ऐसे करके ऊपर नीचे, ठीक है। जब पूरा जूम कीजिएगा तब ये आपको शो करेगा, ठीक है ऐसे ऐसे शो करें, नहीं तो आपको जूम अगर आपको 100% है तो ये आपको शो कम रहेगा तो आपको शो नहीं करेगा, ज़्यादा जूम हो जाएगा 100 से ऊपर हो जाएगा तब ये आपको शो करता है दोस्तों, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार, एक हॉरिजेंटल होता है, एक नीचे का हॉरिजेंटल होगा इसे, ऊपर वाला का वर्टिकल। देखिए हमें एमएस पेंट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, तो विंडो का लिए है, विंडो विंडो यूज होता है। किसी शेप को कलर फिल के लिए कौन सा टूल का उपयोग करते हैं, तो फिल टूल का। तो फिल टूल का कहाँ पर है, फिल टूल का आपको मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आएंगे होम टैब पर और फिल देखिए यहाँ पर है, इस पर क्लिक करके फिल कर सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट एम एस पेंट में इरेज को बड़ा छोटा करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस, और बड़ा एक छोटा, छोटा के लिए कंट्रोल प्लस माइनस तक। इरेजर किसको बोलते हैं, तो देखिए इसको बोलते हैं इरेजर, जिसको मिटाने वाला है। तो एक हाथ से कंट्रोल प्रेस कीजिए और एक हाथ से प्लस, देखिए यहाँ से बड़ा होगा, ठीक है, और इसकी माइनस कीजिएगा तो छोटा होगा। तो कंट्रोल प्लस से बड़ा और कंट्रोल प्लस माइनस से छोटा होता है, ये भी आप देख लिए दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं एमएस पेंट में मैक्सिमाइज का शॉर्टकट की क्या होता है, तो यहाँ पर एल्ट प्लस स्पेस बार होता है, यहाँ पर स्पेस बार होता है, एल्ट प्लस स्पेस स्पेस बार, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एल्ट एक यहाँ से स्पेस बार प्रेस कीजिएगा जो बड़ा वाला, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा इसका शॉर्टकट की, और यहाँ से आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज जो भी करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको लिखना है, अल्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। आते हैं एमएस पेंट में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर और इमेज कैसे बनाते हैं, ठीक है तो सुधार लेते हैं, कैसे बनाते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑप्शन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने इसको चित्र बनाया है, आपको इसको हमको ब्लैक एंड करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेट, और आएंगे प्रॉपर्टी में, देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी है, और जैसे इसमें ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करेंगे तो देखिए सारा आपको ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा, आप कोई कुछ भी बनाइएगा तो ब्लैक 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 एंड व्हाइट होगा। तो फिर इसी को यूज करेंगे और फिर इसी पर जाएंगे, और जब आप कलर कर दीजिएगा यहाँ से, वहाँ पर ऑप्शन आता है कलर का, और जब वहाँ पर आप कलर कर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर देखिएगा कलर कर दिया, देखिए यहाँ पर मैंने कलर कर दिया, तो फिर आपको आपको अब जो बनाइएगा ड्राइंग्स वो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट है मैंने कलर है, और यहाँ पर जाएंगे प्रॉपर्टी में और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सारा बैकग्राउंड आपको जो भी बनाया चित्र आपको ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और उस फिर आपसे कलर करना होगा आपको, तो फिर आपको यहीं पर जाना है और यहाँ पर आके, यहाँ पर आके आपको प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी पे क्लिक करके आप फिर ऐसे ऐसे आपको कलर कर सकते हैं, आपको बनाएगा तक कलर हो जाएगा, ठीक है समझ गए होंगे। इसमें एक और ऑप्शन है, प्रॉपर्टी में जाएंगे और देखिए यहाँ पर इंच में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, पिक्सल में, आपको जैसा करना है तो जैसा आप कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेपर का साइज है, विथ मतलब हाइट में, लंबाई में चौड़ाई कितना रख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस पेंट में कलर टू ऑप्शन किस लिए यूज करते हैं, तो सेफ फील, सेफ फील, सेफ फील करने के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है कलर टू का, इसको भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शेप लिया, ठीक है, देखिए यहाँ पर वन पर रखे हैं रेड और टू पर हम लोग एक और कोई कलर रख देते हैं। देखिएगा शेप ऐसे खींचा, ये रेड आया, ठीक है ना, यानी कि वन वाला को ये जो लाइन आया रेड, और इसको बीच में फिल मतलब भरना होता है,
इसको भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे और देखिए यहाँ पर ही देखिएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो कहा होगा भर गया। और यहाँ पर देखिए इस पॉइंटर से देखिए यहाँ से इसे कलर चेंज भी कर सकते हैं, इसे करके ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आप जाने, इसका मतलब टू का जो फिल में भरता है और वन का जो लाइन का कलर आपको भरता है। यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और है, इस तरह से फिल कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो नो फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पे क्लिक कीजिएगा तो नो नो फिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे सॉलिड में तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लाइन का कलर, नए लाइन का कलर आपको हटाना चाहते हैं, जैसे लाइन के जैसे किनारे के जो रेड था उसको हटाना चाहते हैं तो नो लाइन की जगह हट जाएगा। और इसमें भी कुछ और अलग अलग लाइन का भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और व्यू में आएंगे तो यहाँ से जूम करते हैं, जूम आउट 100% रील होता है। रूलर का अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि रूलर कैसे हटाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शो एंड हाइड रूलर को कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें होता है। गाइडलाइन यहाँ से ला सकते हैं, हटा सकते हैं। स्टेटस बार नीचे का जो होता है, जो पट्टी वाला को बोलते हैं, इसमें भी ऑप्शन आता है कि आप रूलर को शो एंड हाइड कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं, ठीक है। गाइडलाइन तो मैंने सारे ऑप्शन के मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अगर इसका आपका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम का आप सर्च टेलीग्राम आप लोड कर लीजिए दोस्तों, और उसमें आपको लिखना है क्या, टेलीग्राम में आप लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, मैं आपको बनाया हूँ, ग्रुप बनाया हूँ, इसमें सर्च कीजिएगा गौरव कंप्यूटर ज्ञान, ये आपको टेलीग्राम में सर्च करना है और वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसका PDF में टेलीग्राम में हमें डाल दूंगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।